भोजपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही प्रशासन सख्ते में है। जिले के बड़हरा इलाके के एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आनन फानन में पॉजिटिव मरीज के इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कोरोना पॉजिटिव मरीज दो दिन पहले देखिए एक मामला आज हम लोगों ने कल सैंपल भेजा था राजेश कुमार करके व्यक्ति से, ये इनका पॉजिटिव आज सैंपल आया है। ये अभी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं हम लोग के यहाँ, बड़ागरा के रहने वाले हैं, और एहतियात के तौर पे हम लोगों ने जो व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आए थे सभी लोगों को अभी हम लोगों ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है और सबको हम लोग क्वारंटाइन वार्ड में रखेंगे। साथ ही उन सभी लोगों का भी हम लोग सैंपल कराएंगे, और ताकि आगे हम लोगों को क्लैरिटी रहे कि क्या इनके माध्यम से किसी और को भी संक्रमण फैला है कि नहीं। क्या इसकी सर कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है? ट्रैवल हिस्ट्री अभी हम लोग पता कर रहे हैं, ऐसा पता चला है कि ये अभी कानपुर से व्यक्ति आया है, और उसके जो इस गाड़ी से आया है या कैसे आया है ये चीज़ें भी अभी पता लगाई जा रही है। ठीक है। यूपी के मुरादाबाद से कानपुर और फिर बलिया होते हुए भोजपुर की यूपी से सटी सीमा खवासपुर के रास्ते बड़हरा के गाँव पहुँचा, जिसकी शनिवार को सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग हुई थी और स्वैब सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के संपर्क में आए उसकी मां, भाई और सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और पॉजिटिव मरीज को पटना भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने मरीज के गाँव को भी पूरी तरीके से सील कर दिया है और दो दिनों के भीतर पॉजिटिव मरीज किन लोगों के संपर्क में था इसकी जांच की जा रही है।